टू बी मार्क्स क्लासेस। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने शायद आपको सिलेबस जो मैंने बताया था, और उम्मीद करते कि आप तो सिलेबस को ध्यान से देखें कि ज्योग्राफी कितना बड़ा है। ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत ही ह्यूज है, सबसे वास्ट अगर चैप्टर देखा जाए, वास्ट सिलेबस देखा जाए तो ज्योग्राफी का ही है। तो आज हम लोग जो है ना, आपको मैप के थ्रू मैं बताऊँगा कि ज्योग्राफी कितना आसान है। सिर्फ आपको इसलिए आप लोग टफ लगता है क्योंकि आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको मैप के थ्रू अगर बताऊंगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो थोड़ा सा देखते हैं, हम लोग विश्व में देखते हैं कि हम लोग भारत कहाँ है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ, कौन सा महादेश कहाँ है। अगर ये आपको मैं बता दूँ तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। ये आप एक बार देखिए और उसके बाद समझिए। देखिए, ये हमारा विश्व है जो हम लोग एटलस में देखते हैं ना, एटलस में, तो एटलस में ये इसी प्रकार आता है। और ये एक्चुअली क्या है ना, गोल है, ग्लोब जो धरती है ना, गोल है। तो जब ये वाला जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन जब ऐसे गोल होगा ना तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब कोई कागज़ को कोई खोलते हैं तो जब अगर ऐसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, है ना। तो फ्लैट ये इस प्रकार हो गया, क्लियर है। अब यहाँ देखिए, ये हमारा, ये जो है हमारा 0 डिग्री है, क्लियर है। ये हमारा 0 डिग्री है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर। क्लियर है। उसके बाद ये है हमारा 60 डिग्री, और यहां भी हम लोग 60 डिग्री बना लेंगे, ठीक। अब ये इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर उसको क्या बोलते हैं, बीच, ये पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा, ये जो लाइन है ये वाला, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हिंदी में बोलेंगे इसको कर्क रेखा। और ये जो है हिंदी, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अब देखिए होता क्या है कि जब हम लोग देखेंगे इस लाइन को, ये जो 60 डिग्री है और ये जो 0 डिग्री है, ये वाला, ये 0 डिग्री, इसको गौर से देखिएगा, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है ये वाला। और 0 डिग्री से सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पे होती है, सबसे ज्यादा गर्मी हमारा यहीं पे होती है, इस लाइन पे। इस लाइन पे पड़ने वाला जो भी देश है, आपको सबसे ज्यादा गर्मी और लगभग इंसान का जो सूरत होता है काला ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि धूप सबसे ज्यादा यहीं पड़ता है, सबसे ज्यादा धूप आपको इस विषुवत रेखा पर ही पड़ेगा। और इसी के कारण देखिए, जैसे ये अफ्रीका से पास हुआ है, अफ्रीका में देखें लोग काले होते हैं। इधर देखिए ब्राज़ील और ये वेनेजुएला जितने ऊपर में हैं वो सब पास हुए हैं, इंडोनेशिया का लोग हैं। तो ये क्या ना कि ये पूरा, अब देखिए भारत है ना, भारत यहाँ पर है, भारत के स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है ना। तो भारत जो यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, यहाँ देखिए इक्वेटर के नज़दीक है ना, तो नज़दीक में कौन सा पड़ता बताइए स्टेट, केरला और तमिलनाडु। क्या केरला और तमिलनाडु देखते हैं कितना लोग, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। क्यों क्यों गर्मी होता है? क्योंकि इस लाइन के नज़दीक है, और इस लाइन से जितना दूर जाते जाएंगे आप, और इधर भी इस लाइन से जितना दूर जाते जाएंगे, क्या होगा, हमारा मौसम ठंडा होगा, और ठंडा होने के कारण लोग गोरे होते हैं, गोरे होते हैं और एक कलर के होते हैं हम लोग। कारण क्या है कि भारत में, जैसे अमेरिका में, अब देखिए पूरा अमेरिका में इधर देखिए ये पूरे गोरे लोग हैं, क्योंकि ये एक तरफ है ना, यहाँ से अगर अमेरिका इधर पड़ रहा है तो पूरा पूरे गोरे हैं, क्योंकि एक कलर के होंगे ये। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि ये 0 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री के ऊपर, 30 डिग्री के ऊपर और 30 डिग्री के नीचे, 30 से लेकर के, यहाँ देखिए मान लीजिए 30 है, 30
30 से लेकर के 60 के जो बीच में एरिया है ये वाला, इस एरिया में, और 30 से लेकर 60 इस एरिया में जितने लोग हैं और जितने तरह के जीव जंतु, जितने तरह के फसल और कुछ भी अगर पाए जाते हैं, तो ये लगभग वो एक कलर, एक तरह का होता है। लेकिन जब इस लाइन से इधर जितने आएंगे तो हर चीज़ वैरायटी में पाए जाएंगे, हर चीज़, चाहे वृक्ष हो, जीव हो, जंतु हो, सब प्रकार, पेड़ पौधे, सब प्रकार जो होता है बहुत विभिन्न प्रकार के मिलेंगे। मतलब ऐसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये 5 किलोमीटर के एरिया देखा जाए, 5 किलोमीटर के एरिया में, तो 5 किलोमीटर के एरिया में इस लाइन में और इस लाइन में पाए जाने वाले जीव जंतु 5 किलोमीटर के एरिया में 1000 तरह का मिलेगा, 1000 तरह। और अगर इस तरफ देखा जाए तो 5 किलोमीटर के एरिया में मात्र 10 प्रकार का मिलेगा। जैसे मान ली मछली है ना, तो मछली हमारे यहाँ बहुत सारा, बहुत तरह की मछली होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत तरह के जीव जंतु इस लाइन में पाए जाते हैं। गर्मी होने के कारण बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होता है, और उसके कारण मतलब आपको हर एक 5 किलोमीटर में या 10 किलोमीटर के एरिया में बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे, और इधर बहुत कम पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ जो मछली पाए जाते हैं, यहाँ इस एरिया में जो मछली पाए जाएंगे, इस एरिया में, इस एरिया मछली पाए जाने जो जो जाते हैं वो लगभग एक प्रकार का होता है और महंगा होता है, मतलब एक प्रकार का होगा। यहाँ भी क्या होगा, एक प्रकार का। आपको पता है जब बीमारी एक प्रकार का होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अगर बीमारी एक तरह का हो। लेकिन अगर बीमारी 75 तरह का हो तो डॉक्टर भी 75 तरह का होना चाहिए स्पेशलाइजेशन, और लोगों का खर्च भी 75 तरह होता है। अगर उसको सभी लोगों को पता चले कि गर्म बीमारी एक तरह का होता है, क्या होगा, उसको माइंड में सेट हो जाएगा ये चीज़ नहीं करेंगे तो बीमारी नहीं होगा। लेकिन यहाँ बीमारी बहुत तरह के होते हैं क्योंकि इस लाइन में पाए जाते हैं, क्लियर है। और इसी जो भी इस एरिया में पाए जाते हैं लगभग वो गरीब कंट्री होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और इस एरिया में उसको मैनेजमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लगभग टेम्परेचर एक है, टेम्परेट जोन में, मतलब टेम्परेट जोन भी इसको कहते हैं कि उसका टेम्परेचर लगभग एक होता है, ज़्यादा उसको मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। अब देखिए आते हैं लाइन पर, तो लाइन हमारा ये है 0 डिग्री, 23 डिग्री और 30 डिग्री यहीं पर है, और 60 डिग्री या 90 डिग्री है। ये हमारा 90 डिग्री है, और ये हमारा 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री। तो ये सबसे ज़्यादा गर्म, और इससे ऊपर जितना जाएंगे क्या होगा, मैंने बताया ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा। तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, समझ जाए यहाँ पे बर्फ जम गया, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ऐसे समझिए, ऐसे बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्म और ये बहुत ज़्यादा ठंडा, और ये बहुत ज़्यादा गर्म, ये बहुत ज़्यादा ठंडा। इस जीरो से दोनों तरफ है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इधर है और 90 डिग्री इधर है। तो जितना इस इक्वेटर से विषुवत रेखा से जितना नीचे जाएंगे या विषुवत रेखा से जितना ऊपर जाएंगे आपको क्या लगेगा, ठंडा। इसी कारण से आप भारत को समझिए, भारत में ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मतलब उत्तर केरला और तमिलनाडु, ये बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि ये नज़दीक है। अब ये इस लाइन से जितना ऊपर जाएंगे, अब देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर बोलिए, है ना, जम्मू कश्मीर क्या है, विषुवत रेखा से दूर है, क्योंकि जो दूर होता है वहाँ पे सूर्य का जो ताप होता है ना, वो तिरछा पड़ता है, और तिरछा पड़ने कारण ताप कम पड़ता है, और यहाँ पे डायरेक्ट लंबवत मतलब इक्वेटर पे जो है, यहाँ पे सूर्य एकदम डायरेक्ट ऐसे पड़ता है लंबवत, और इसके कारण ताप बहुत ज़्यादा अधिक होता है, अधिक होने कारण यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। और ये आप देखिए केरला तमिलनाडु है ना, अब यहाँ पे देखिए ये अफ्रीका से भी गुजरा है, अफ्रीका बहुत ज़्यादा गर्म है, ये ब्राज़ील इधर इस एरिया से गुजरा है, सारे इस एरिया में पाए जाएंगे, जितने भी पाए जाते हैं वो लगभग काले व्यक्ति काले रंग का होता है, क्योंकि वो सिर्फ गर्मी कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है, और भी कारण है, गर्मी कारण जितना कारण हो सकता है सारा कुछ है, क्लियर है। और उसके बाद
इस 30 से लेकर 60 के बीच में जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया में जितने लगभग देश पड़ेंगे सब देश विकासशील है, सारे देश विकासशील है और इस एरिया का विकास, सॉरी ये विकासशील मतलब ये विकासशील है और ये पूरे विकास हो चुके हैं, पूरे विकास हो चुके हैं, ये पूरा डेवलप्ड सिटी है और ये डेवलपिंग सिटी है, ये डेवलपिंग सिटी है और ये हमारा डेवलप्ड सिटी है और यहाँ पे जितने आपको सबसे बड़ा कारोबार इंडिया ने वर्ल्ड में 10 सेंटर है जो कि फिशिंग सेंटर, मछली का सबसे बड़ा उत्पादन जितने बड़े बड़े पॉइंट हैं, यहाँ है आपका, यहाँ पे है, फिर यहाँ है, तो ये जो पॉइंट है ना 30 से 60 के बीच में जितना है आपको बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है और उन लोगों को ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ता मैनेजमेंट के ऊपर, क्लियर है। अब देखिए, अब चलते हैं, अब यहाँ पर हमारा जो 0 डिग्री, देखिए ये 0 डिग्री इक्वेटर विषुवत रेखा, 23 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं मकर रेखा, क्या बोलते हैं इसको, मकर रेखा, क्योंकि मैं पढ़ाने वक्त यूज करूंगा इसको, पढ़ाने वक्त मैं प्रयोग करूंगा, आई विल यूज दिस वर्ड ड्यूरिंग द टीचिंग, ओके। और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, देख लीजिए। अब देखिए कौन कौन चीज कहां पड़ता है, देखिए ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका, क्लियर है, ये हमारा है साउथ अमेरिका, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद ये ग्रीनलैंड है, ये अलग इसको रख दीजिए, इसको पढ़ना नहीं है, बस इसको जान लीजिए ग्रीनलैंड, ये हमारा है रशिया और ये हमारा यूरोप, ये हमारा अफ्रीका, यूरोप, रशिया, ये हमारा चाइना और ये हमारा इंडिया, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये जो एरिया पड़ता है इधर, ये हमारा अंटार्कटिका, ये हमारा आर्कटिक सर्किल पड़ता है, आर्कटिक सर्किल, क्लियर है। अब देखिए ये जो एरिया है, इधर वाला जो एरिया है, आप कभी सुनते हैं, कभी आप हम लोग के बोल चल के भाषा में हम लोग सुनते हैं कि अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन आपको पता अमेरिका कितना बड़ा है, आप किस अमेरिका की बात करते हैं, अगर कोई बोले कि अमेरिका जा रहा है तो अमेरिका पहले पूछे कि कौन सा अमेरिका, आपको ये जान के हैरत होगा कि ये जो हम लोग इंडिया में भारत में जो बोलते हैं ना अमेरिका, अमेरिका देखिए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अमेरिका है, ये पूरा अमेरिका पूरा, और ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, जिस अमेरिका की बात करते हैं जहाँ से हमारा प्रेसिडेंट ट्रंप है, वो ये अमेरिका नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका का तीन कंट्री, इसको तीन भाग में बांट सकते हैं इसको, एक हमारा कनाडा, ये हमारा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको इसी को बोलते हैं, और इसी देश के हमारे राष्ट्रपति हैं कौन, ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप इसी देश के राष्ट्रपति हैं, और सिर्फ इतना एरिया का गवर्नमेंट है वो, समझ में आ रहा है, हमारे जो ट्रंप है डोनाल्ड ट्रंप, ये सिर्फ यूएसए का प्रेसिडेंट है और अमेरिका हम लोग बोलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें कि कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, सबसे डेवलप्ड सिटी यूएसए और कनाडा है। अब इधर जो है हमारा, इधर इसमें पड़ जाएगा आपको ब्राज़ील पड़ जाएगा, वेनेजुएला, इक्वेडोर, फिर आपका उरुग्वे, पाराग्वे, अर्जेंटीना, चाइल, चील जिसको बोलते हैं हिंदी में, और ये सारा जो कंट्री है आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। साउथ अमेरिका कम डेवलप्ड है, इसके अपेक्षा कम डेवलप्ड है, लेकिन हमारा जितना अमेरिका, अमेरिका में ही ब्राज़ील है, अमेरिका में ही हमारा
उरुग्वे, पाराग्वे, चील, वेनेजुएला, इक्वेडोर सब कुछ इसी में है। क्लियर है? और यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका थोड़ा सा जो छोटा छोटा पार्ट है, छोटे छोटे देश जो हैं यहाँ पे। और आपको एक चीज और जान के सोचिए, जो हमारा कॉफी कैफे कॉफी डे है ना, कैफे कॉफी डे, कैफे कॉफी डे जो है उस ये हमारा एक यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है, उसका नाम है कोस्टा रिका। क्या नाम है? कोस्टा रिका। ये कॉफी बेचने वाली चेन कंपनी है, कॉफी बेचने वाली चेन कंपनी है। एक छोटा सा देश, उस देश से अपना पॉपुलैरिटी हासिल किया पूरा विश्व में, और उसी का कंपैरिजन हमारा कैफे कॉफी डे है, जो कि इंडिया का स्टार्टअप है, और कैफे कॉफी डे इसी का टक्कर दे रहा है कोस्टा रिका का। कोस्टा रिका और बरिस्टा दो बहुत महत्वपूर्ण कंपनी पूरे विश्व के, उसी का। और एक छोटा सा कंट्री, छोटा सा, समझ में आ रहा है, बहुत छोटा है, और वो चीज यहाँ पर हम लोग, और इसको बोलते हैं। तो अमेरिका को जो मुख्यतः दो भाग बांटा गया है, एक नॉर्थ अमेरिका, एक हमारा साउथ अमेरिका, लेकिन एक आता है हमारा सेंट्रल अमेरिका भी आता है। कौन आता है? सेंट्रल अमेरिका, केंद्रीय अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका। क्लियर है? उसके बाद देखिए, ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला, ये हमारा है पैसिफिक ओशियन। क्या हमारा? पैसिफिक ओशियन। यहां से पूरा एरिया हमारा पैसिफिक ओशियन है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जब ये बंद होगा, यानी ग्लोब में जब दिखेगा पृथ्वी पर, तो ये पैसिफिक ओशियन किधर चल जाएगा? इसका ये मान लीजिए कटा हुआ पार्ट है किधर का? इधर का। तो ये जो हमारा, ये क्या है हमारा? ये भी पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन। ये हमारा पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर, हिंदी में बोलते हैं उसको प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा सागर ये हमारा इधर है और ये इधर है। क्लियर है? ये देखिए, ये हमारा अटलांटिक ओशियन, इसको बोलते हैं ऐसे, इस प्रकार का ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर जिसको बोलते हैं। ये हमारे यहां से लेकर के यहां तक है, और ये हमारा प्रशांत महासागर यहां से लेकर के यहां तक है। क्लियर है? और ये हमारा इंडियन ओशियन। हिंद महासागर जिसको बोलते हैं, ये हमारा, ये पूरा एरिया में हिंद महासागर है। इसको सर्किल नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये पूरा प्रशांत महासागर है। और अगर मेडिटेरियन सी जो बोलते भूमध्य रेखा की बात करते, भूमध्य सागर, तो भूमध्य मतलब क्या? भूमध्य मध्य रेखा पे, यहाँ देखिए, ये हमारा मध्य सागर यहाँ पे यूरोप में, ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य रेखा, सॉरी भूमध्य सागर। और ये हमारे यहाँ देखिए, ये अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका है, यहाँ पे हमारा रेड सी है, यहीं पे ये हमारा इजिप्ट है, यूनान जिसको बोलते हैं, इजिप्ट, यहां से ही हमारा, सॉरी यूनानी मिस्र बोलते हैं, मिस्र, मिस्र सभ्यता जो बोलते हैं, मिस्र सभ्यता यहीं का है, इजिप्ट का। तो इजिप्ट हमारा यहाँ पे है, और यहाँ से रेड सी है। और इसके बाद एक इसको और बोलते हैं, वो सी का नाम बताते हैं आपको थोड़ी देर में। तो ये है हमारा, और ये अफ्रीका है, ये हमारा आपको ईरान और ये सब जो छोटा जो तुर्की और ईरान, ये सब जो कंट्री पड़ेगा। ये जो हमारा, ये हमारा हिंद महासागर। उसके बाद देखिए, तो एक हो गया प्रशांत महासागर एक, दूसरा आपका अटलांटिक महासागर दो, हिंद महासागर तीन, और ये अंटार्कटिका, इसको बोलते हैं साउदर्न ओशियन, दक्षिणी सागर। दक्षिणी दक्षिण सागर। उसके बाद ये है हमारा आर्टिक सर्किल, आर्टिक ओशियन, ये इसको आर्टिक ओशियन भी बोलेंगे, ये इस एरिया आर्टिक रीजन में पड़ने वाला क्या बोलेंगे? आर्टिक ओशियन।
कौन कौन हो गया, एक प्रशांत पैसिफिक ओशियन, एक अटलांटिक ओशियन दो, उसके बाद इंडियन ओशियन तीन, साउदर्न ओशियन चार और आर्कटिक ओशियन पांच। पांच ही ओशियन है, पांच महासागर है। तो पांचों महासागर का आप देखिए लोकेशन, देखिए एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, ऐसे तो याद ही रहेगा। एक हमारा लेफ्ट साइड हो गया, सबसे पहले एक देख लीजिए, एक सबसे नीचे दो, एक सबसे ऊपर तीन हो गया, तो ऑलरेडी हो गया। और भारत के नीचे हिंद महासागर चार, और अटलांटिक ओशियन किधर, ये आपका अमेरिका और यूरोप के बीचों बीच में जो पड़ेगा पूरा एरिया, अमेरिका यूरोप के बीच, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में अटलांटिक ओशियन, अफ्रीका और साउथ अमेरिका बीच में अटलांटिक ओशियन, बस यही है। और हाँ, दो भाग में बांटा अगर बोला जाएगा कि साउदर्न पैसिफिक ओशियन यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिण तो दक्षिण मतलब क्या, इक्वेटर से नीचे वाला ये जो पैसिफिक ओशियन पूरा यहाँ तक है, इसे इधर दक्षिण बोल देंगे, इधर क्या बोलेंगे, उत्तरी प्रशांत महासागर, क्लियर है। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ओके। ये नॉर्थ में, ये साउथ में, और ये आपका हिंद महासागर। फिर यहाँ पे एक आता है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं भूमध्य सागर, तो ये यहाँ पे आता है। तो अभी उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ ओशियन की बात कर रहा हूँ और महादेश की बात कर रहा हूँ। एक महादेश कॉन्टिनेंट और दूसरा हमारा ये सागर, महासागर का। तो देखिए महासागर किसको बोलते हैं, अब इसको समझिए। सागर मतलब पानी, महासागर में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो है महासागर है, महासागर के नीचे सागर होगा, सागर का बड़ा रूप महासागर। सागर मतलब सी होता है, सी मतलब समुद्र जिसको बोलते हैं आप। अब ये क्या है, प्रशांत महासागर बहुत बड़ा, क्लियर है। तो एक दो तीन चार और पांचवा एक, हाँ एक दो ऐसे कि नहीं, एक दो तीन चार पांच, ओके पांच महासागर। और ये जो है आपका आपका कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब तो महादेश। तो महादेश हमारा आपको पता है, पृथ्वी तीन हिस्सा पानी है और एक हिस्सा पृथ्वी है। तो महादेश किसको बोलते हैं, ये पूरा समझ जाइए कि एक लैंड है, समझ लीजिए पानी में एक कटोरी है ना, कटोरी है, कटोरी में कटोरी एक पूरे पानी में एक कटोरी या नाव दिया गया, तो नाव तैर रहा, नाव पे आप आदमी रह सकता है। उसी प्रकार आप इसको मानिए, ये पूरे पानी में एक प्लेट दो प्लेट इसमें रखा हुआ, एक इतना धरती है, धरती पानी में है, पानी में धरती नहीं है, धरती के हमारा जो मुख्य भूमि है, लैंड जो है, लैंड हमारा पानी में है। यानी सिर्फ आपको इस यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है, इसको बोलेंगे महादेश, महादेश 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 मतलब एक महादेश के अंदर बहुत सारा देश होता है। जैसे ये महादेश है नॉर्थ अमेरिका, तो इसमें देश कितने हुए, एक दो तीन, तीन देश से बड़ा महादेश, यानी ग्रुप ऑफ कंट्री इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होता है, महादेश, एक महादेश में बहुत सारे देश होते हैं, तो बहुत सारे देशों का समूह को क्या बोलेंगे, महादेश। एक तरफ महादेश, दूसरा महादेश, तीसरा महादेश, चौथा महादेश, पांचवा महादेश सबका यहाँ ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया जो है एक कंट्री भी है, एक देश भी है और एक महादेश भी है, क्लियर है। और यहाँ पे देखिए एक जिस, अब इंडियन जो क्रिकेट टीम आप देखते हैं, आपको जो क्रिकेट टीम होता है तो बहुत आप एक चीज देखते हैं, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड पता है कहाँ पे, यहाँ पे है न्यूजीलैंड, यहाँ पर है, सोचिए कितना छोटा है और कितना दूर है आपको। न्यूजीलैंड हमारा यहाँ पे है, न्यूजीलैंड छोटा सा कंट्री है ये, यहाँ पे। और अफ्रीका जिसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका जिसको देखते हैं आप, तो साउथ अफ्रीका क्या है पता है, ये पूरा अफ्रीका नहीं है, ये अफ्रीका यहाँ का पार्ट है, छोटा सा, छोटा सा कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, वो है साउथ अफ्रीका, इतनी छोटी सी। जिम्बाब्वे भी एक कंट्री है इसी में, अफ्रीका के अंदर ही एक जिम्बाब्वे एक कंट्री है, जिम्बाब्वे। और साउथ अफ्रीका भी एक कंट्री है, छोटा सा, ये पूरा अफ्रीका नहीं। इस अफ्रीका में तो बहुत सारे देश हैं, और ये अमेरिका, साउथ अमेरिका में बहुत सारे देश हैं, ये नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे देश हैं, तो ये
आपका उत्तरी अमेरिका में एक दो तीन तीन महा तीन देश, सबसे बड़ा बड़ा देश हमारा एक दो तीन है, फिर रशिया है, चाइना है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपको ये जो भारत है लैंड के आधार पर यानी भूमि के आधार पर एरिया जो है हमारा, एरिया कितना है भारत का, तो भारत कितने स्थान पे आता है, भारत 7वां स्थान पे आता है एरिया में, कि सबसे बड़ा एरिया किसका है। ओके तो सबसे बड़ा एरिया हम इसको पूरा अमेरिका नहीं मान सकते, हम इसको अमेरिका किसको मानेंगे, यूएसए को। क्लियर है? तो उसका एक कोडिंग है, मैं कोडिंग बना रखा हूं। तो एरिया के आधार पर सबसे बड़ा जो देश है हमारा ये है आपका, इसका कोडिंग है, देख लीजिए कोडिंग कैसे याद करना है। तो सबसे बड़ा है रसिया, सबसे बड़ा कौन है, रसिया, देखिए यहां से यहां तक है ना, सबसे बड़ा रसिया है एक नंबर पे। दूसरा नंबर पे है रशिया के बाद आता है आपको कनाडा, रशिया सबसे बड़ा एक नंबर पे, दूसरा हमारा कौन है, कनाडा, यहां से लेकर यहां तक बहुत बड़ा है ये। क्लियर है आपको? मैं यहाँ पे नक्शा में अगर देखिएगा तो पूरा बड़ा नजर आएगा। अब यहाँ पे क्या है कि कनाडा ये हो गया और रशिया ये हो गया, रशिया नंबर एक पर, कनाडा दो नंबर पे, उसके बाद आता है चाइना, चाइना हमारा यहाँ से इतना बड़ा है चाइना पूरा। इसमें बहुत सारे छोटी छोटी कंट्री है एशिया का, मुस्लिम कंट्री बहुत ज़्यादा, जितना किस्तान है ना, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये सब, आपको स्थान सब इधर ही पड़ेगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक रशिया नंबर पे एक आया है, कनाडा दो, और उसके बाद चाइना, रशिया, कनाडा, चाइना, यानी ऐसे 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 है ना, ऐसे याद कीजिएगा, ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे। उसके बाद क्या है, यूएसए, आरसीसी, उसके बाद यूएसए, तो सी के बाद क्या आ जाएगा हमारा, यूएसए यहां आ जाएगा, यहां से स्टार्ट हुआ जेड प्रकार का, एक दो तीन, और उसके बाद चार, यूएसए, यूएसए के बाद RC²U। क्लियर है? RC²U, उसके बाद आएगा ब्राजील, पांच नंबर पे ब्राजील। पहला कौन है, रशिया एक नंबर पे, दूसरा कौन है, कनाडा, तीसरा नंबर पे कौन है, चाइना, चौथा नंबर पे कौन है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा नंबर पे कौन है, ब्राजील। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, ब्राजील। उसके बाद अब पांचवा नंबर के बाद आएगा आपको छठा नंबर पे ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हमारा कितना पे है, छठा नंबर पे है। और इसके बाद हमारा कौन है, भारत, भारत कितने नंबर पे, सातवां नंबर पे। तो RC, RC, C, चाइना, चाइना के बाद यूएसए, यूएसए के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, RC। अब इसको ऐसे याद कर लीजिए, RC², RC² UBAI, UBAI, ओके, RC² UBAI, रसिया, कनाडा, चाइना, कनाडा, चाइना, कनाडा, चाइना। तो कनाडा चाइना कैसे इंग्लिश डिक्शनरी में आप जब देखते हैं तो कैसे याद रखते हैं, कनाडा है ना, उसके बाद चाइना, तो पहले कौन आएगा डिक्शनरी में, डिक्शनरी में सी, अगर जिसे आप लिखें सी, तो अब सी में कंफ्यूज नहीं होना है कि सी में हमारा कौन सा, पहले कनाडा है पहले चाइना। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग डिक्शनरी के अनुसार कौन सा आएगा, देखिए सी सी तो खत्म हो गया, ए यहाँ पे ए है और ये एच है, तो पहले कौन आएगा, ए वाला आएगा, तो पहले कनाडा आएगा फिर चाइना आएगा, तो आपको याद रहेगा RC², RC² UBAI, UBAI, यूएसए ब्राजील, यूएसए ब्राजील ऑस्ट्रेलिया, यूएसए ब्राजील ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया, यूएसए ब्राजील ऑस्ट्रेलिया इंडिया, इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया, याद रखें हमेशा इंडिया से पहले क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बोलने से पहले क्या सोचेंगे, ब्राजील बोलना है, ब्राजील के पहले क्या बोलेंगे, यूएसए। अगर यूबी हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि उत्तर अमेरिका और साउथ अमेरिका में सबसे, उत्तर अमेरिका में सबसे बड़ा कौन है, कनाडा,
कनाडा, उसके बाद बड़ा कौन है यूएसए, उसके बाद है ब्राजील, क्लियर है। तो ये आर सी स्क्वायर यू बी ए आई, रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, इतना याद रहेगा, बस इतना ही आपको याद करना है। आज के दिन मैं बस इतना ही बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप इसको पूरी तरह समझ जाएंगे, और जहां भी प्रॉब्लम होगा तो अभी तो बस मैं ओवरव्यू दिया हूं कि ये पूरे विश्व में हमारा भारत कहां पे, भारत का लोकेशन क्या है। तो भारत का लोकेशन देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं जो अगले क्लास में मैं बताने वाला हूं कि भारत कहां पड़ेगा। तो आपको जो विस्तार है ना, विस्तार आपका देशांतर और अक्षांश, हाँ अक्षांश और देशांतर के बारे में, देशांतर में थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ कि अक्षांश हमारा ये वाला लाइन जो है, ये लाइन, ये हम इसको बोलते हैं अक्षांश। अक्षांश और इसको बोलेंगे, ये जो लाइन है, एक लाइन और है ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलेंगे क्या, ये जो लाइन है, ये लाइन ग्लोब में देखिएगा, ये लाइन ऐसे होगा और इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे हम, देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर का मतलब समझिए कि अक्षांश का प्रभाव क्या है। अक्षांश जो है ये लाइन है और ये लाइन क्लाइमेट बताता है। मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री पर से नजदीक, विषुवत रेखा के नजदीक गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और विषुवत रेखा से जितना दूर जाएंगे, यानी ये वाला लाइन की बात कर रहा हूँ, अक्षांश की बात कर रहा हूँ। तो अक्षांश जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, यानी अक्षांश का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, अक्षांश का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, लैटिट्यूड का मान, इसको लैटिट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं, तो लैटिट्यूड का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, ये गर्मी गर्मी से ठंड की ओर जाएगी और इधर गर्मी से ठंड की ओर आएगी, गर्मी से ठंड की ओर, यानी 0 डिग्री गर्म बहुत ज्यादा गर्म और 90 डिग्री ठंड। ठंड गर्म ठंड, तो 0 से 90 के बीच जैसे जैसे बढ़ेंगे, चाहे ऊपर बढ़िए चाहे नीचे बढ़िए, क्या होगा, गर्म से ठंड की ओर बढ़ेंगे, क्लियर है। 0 से 90 के बीच जैसे जैसे बढ़ेंगे, वो हमारा जितना वैल्यू ज्यादा होगा लैटिट्यूड का, उतना हमारा ठंड ज्यादा होगा। 90 डिग्री यानी पूरा बर्फ, 60 डिग्री बर्फ से थोड़ा कम लेकिन ठंड बहुत ज्यादा, 0 डिग्री एकदम गर्म। तो ये हमारा हमारा क्या हो गया, ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और कर्क रेखा मकर रेखा के उपरांत यानी इसके बाद जो भी डिग्री होगा वो ठंड ज्यादा होगा, इधर भी ठंड ज्यादा होगा, क्लियर है। अब देशांतर की बात करते हैं, तो देशांतर जो है ये लाइन हमारा, एक लाइन हमारा यहाँ सेंट्रल अमेरिका यहां से गुजरा, यहां से ये जो लाइन है, ये लाइन आपको यहां से एक गुजरा है जिसको बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच क्यों बोला जाता है ग्रीनविच, ये ग्रीनलैंड से भी ये पास हुआ है, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी इस लाइन को ग्रीन और लंदन, इसको यहाँ पे लंदन है जो ब्रिटेन की राजधानी है इंग्लैंड की, तो यहाँ पे लंदन है, लंदन से हो गुजरती है और यहीं से हमारा देशांतर समय का मानक, जो मेन मानक है समय का, वो यहीं का है। और इधर से हम लोग जैसे जैसे देखिए, इधर हर एक रेखा जितने रेखा इसमें जाएंगे, और इसी से बोलते हैं 12 घंटा इधर है, 12 लाइन इधर है, टोटल 24 लाइन है। देखिए इधर 24 लाइन है, 360 को मैंने भाग दिया, 360 से 24 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 15 डिग्री।
यानी हर एक लाइन 15 डिग्री पे अंतराल पे है, 15-15 डिग्री आगे बढ़ेंगे और हर 15 डिग्री पर एक घंटा का समय अंतर होगा। यानी ये 0 डिग्री है, यानी अभी यहाँ पे 12 बज रहा है, तो अगला एक जो 15 डिग्री अगला जो लाइन होगा, देशांतर जो लाइन होगा, तो अगला लाइन पे कितना बजेगा? 1 बजेगा, उसके अगला लाइन पे 2 बजेगा, उसके अगला लाइन पे 3 बजेगा, 4-5 इस तरह आगे करके 12 हो जाएगा। यहाँ पे इधर भी 12, इधर एक एक घंटा घटते जाएगा, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इधर घटते जाएगा, इधर बढ़ते जाएगा। हर एक 15 डिग्री पर ये लाइन देशांतर जो है समय हमारा बढ़ेगा इधर, और भारत हमारा क्या है 5.5 लाइन आगे है, 5.5 लाइन, यानी 5 लाइन आगे, 5 लाइन के बाद ये जो लाइन है देशांतर, 3 देशांतर भारत से होकर गुजरा है मेन, और उसी के कारण हमारे भारत में 3 टाइमिंग होना चाहिए था, 3 समय होना चाहिए, लेकिन भारत मानक जो समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसके कारण पूरे भारत में एक ही समय दिया गया है, वरना भारत के पास भी 3 समय होता। रसिया देख रहे हैं, रसिया में सबसे ज़्यादा देशांतर ये लाइन गुजरा है ना, तो ये लाइन जितना ज़्यादा एक कंट्री से जितना ज़्यादा गुजरेगा उसमें उतना ज़्यादा टाइम होगा। यहाँ पर रसिया माना जाता है कि 11 समय है, हर शहर में अलग अलग टाइमिंग। तो ये देशांतर मतलब समय का और अक्षांश मतलब क्लाइमेट का, बस दो चीज़ याद रखिएगा, बाकी मैं अगली क्लास में बताऊँगा। तब तक चलते हैं, धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, कहीं प्रॉब्लम आए कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट, ना अच्छा लगे तो भी कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।